बुंदेली धरती पर मनाए जाने वाले सांस्कृतिक तीजा मेले में उमड़ा जनसैलाब। कस्बा सुमेरपुर के सुप्रसिद्ध तीज मेले का प्रथम दिन निकाली गई मनमोहक झांकियां देखने को जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने सड़क के किनारे और मकान की छतों पर खड़े होकर झांकियों का आनंद प्राप्त किया। हरचंदन तालाब में भी नागनाथ लीला कंसवध लीला देखने को भारी भीड़ जमा रही। तीज मेले में जल विहार कमेटी की ओर से दोपहर बाद चांद धूप के श्री कृष्ण मंदिर से झांकियां निकाली गई, जो नगर भ्रमण करने के बाद हरचंदन तालाब पहुंची। शोभा यात्रा में श्री कृष्ण का विमान, कमल के पुष्प पर ब्रह्मा गरुण, वाहन भगवान विष्णु, भगवान राम द्वारा मारिच वध, भरत के बाण पर हनुमान, घोड़ा के साथ लव कुश, भगवान विष्णु मत्यावतार, श्री कृष्ण की माखन चोरी, भारत माता, राधा कृष्ण झूला, अर्जुन द्वारा मीन वेद, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश, कंस के रथ पर देवकी वासुदेव, रावण द्वारा सीता का हरण, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, गोवर्धन पर्वत, कारगिल युद्ध में सायल, फांसी का फंदा, पुष्पक विमान द्वारा राम सीता का आगमन, नरसिंह अवतार, चंद्रशेखर आजाद शेर पर सवार दुर्गा जी, बैल पर सवार भगवान शंकर, घोड़े पर सवार बलराम जी, हाथी पर सवार राजा इंद्र, बहुरूपिया पार्टी, किन्नर पार्टी आदि भी शामिल रहे। हरचंदन तालाब में कमेटी के द्वारा श्री कृष्ण द्वारा काले नाग वध की लीला का मंचन किया गया। इसके बाद भी श्री कृष्ण और बलदाऊ के द्वारा कंस, बकासुर आदि राक्षसों के वध की लीला छोटी बाजार में दिखाई गई, जिसे देखने को बेशुमार भीड़ जमा रही। रात में रामलीला मैदान में महोबा के लखनलाल एंड पार्टी द्वारा बुंदेली लोकगीत राई नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पशु बाजार में झांसी के कलाकारों द्वारा नौटंकी दिखाई गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे कस्बे में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने भी सुमेरपुर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीओ सदर, सीओ महोदहा, एसडीएम सदर, थाना अध्यक्ष और व्यवस्था में पुलिस फोर्स सक्रिय बना रहा। Yeah.
अपडेट मीडिया के लिए भरुआ सुमेरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।